चाइना के खिलाफ नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। इसका असर सोलन में भी देखा जा रहा है। वे भी चाइना का खुलकर बहिष्कार कर रहे हैं। इस बहिष्कार का सबसे बड़ा असर राखी के त्योहार पर पड़ा है, जिसमें लोग अब भारतीय राखी को ही खरीद रहे हैं। चाइना की राखियों की मांग कम होने के चलते दुकानदार भी अब चाइना में बनी राखियों को बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं। राखी के त्योहार पर चाइना में वस्तुओं के बहिष्कार से साबित कर दिया है कि भारत की जनता के दिलों में देश का सम्मान सर्वोपरि है और उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। अधिक जानकारी देते हुए राखी खरीदने आए ग्राहकों ने कहा कि चाइना को सीख देने का समय आ चुका है, इसलिए वे चाइना के बने उत्पादों का विरोध कर रहे हैं और वे चाइना उत्पादों को नहीं खरीद रहे हैं। वे दुकानदारों से राखी खरीदने से पहले ये पुष्टि कर रहे हैं कि वे उत्पाद कहाँ बना है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में चाइना का उत्पाद नहीं खरीदना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने राखी के त्योहार से कर दी है। राखी थोड़ी अच्छी चल रही है, बट वो सभी बंदे हैं ना जो भी है कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, वो सारे लोकल ही जो लोकल इंडियन मेड राखी है ना उसी को प्रेफर कर रहे हैं। चाइना को तो एक तो इंपोर्ट आया भी नहीं है, इंपोर्ट चल ही रहा अपना बंद किया वो इन लोगों ने, तो उसकी वजह से राखी कलेक्शन थोड़ी कम है, बट फिर भी सभी प्रॉपर इंडियन राखी को ही कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सारी इंडियन ही परचेजिंग की है। मैं हैंडमेड राखी पसंद है, हमने भी जयपुर से मंगवाई है, लुधियाना से मंगवाई है, या फिर हमारी आई है अम्बाला से, जो मोली की होती है ना, जैसे मोली की राखी बोली जाती है उसको, उस टाइप की राखी ही चल रही है आजकल। और जो जैसे जो भी राखी हमारे पास आ रही है, डिस्पैचेस आ रही हैं, उसको पहले सैनिटाइज करके फिर हम आगे दुकान पे शॉप वगैरह पे डिस्प्ले आगे कर रहे हैं। हम आगे जो कस्टमर आता है उसके हैंड वगैरह सारा सैनिटाइज करके ही हम उसको शॉपिंग करवा रहे हैं। इस बार जितनी भी राखी मार्केट में आई है वो सारी इंडिया की बनी हुई राखी है, इसमें चाइनीज राखी कोई नहीं आई है। और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम चाइना का कोई भी सामान अपनी दुकान पे सेल ना करें। लोग इस बार चंदन की राखी लोग ज़्यादा ले रहे हैं, सोन वाली राखी ले रहे हैं। अभी राखी का घाक इतना मार्केट में चलना शुरू नहीं हुआ है कोरोना महामारी की वजह से। इस बार घाक राखी का थोड़ा कम है बाज़ार में, क्योंकि स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ हैं, कॉलेज कॉलेज की लड़कियाँ अच्छी राखी खरीदती थी, लेकिन इस बार जैसे कॉलेज वगैरह बंद है तो उससे भी काम में फ़र्क रहेगा। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मेरे को देखिए आप, मैंने अभी क्या है मोली का धागा प्रेफर किया है, मैंने सिंपल मोली की राखी ली है। जो राखी है सिंपल त्यौहार है और इंडियन चीज़ों के साथ मनाया जा रहा है। इस बार पूरी तरह से हम भी चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं और इन दुकानदार की तरफ देखा जाए तो दुकानदार भी ना कोई चाइनीज चीज़ सेल नहीं कर रहे हैं। मैंने आते ही सबसे पहले इन दुकानदारों से चाइनीज़ राखी मांगी, इनसे बोला चाइनीज़ सबसे अच्छी राखी दिखाओ, सबसे अट्रैक्टिव जो इंडिया से बाहर की राखी वो दिखाओ। तो उन्होंने बोला हम कोई भी राखी ऐसे ही बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई राखी सेल नहीं कर रहे हैं। लोगों का रुझान इंडियन राखी की तरफ है, लोग पूरी तरह से चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, चाइनीज चीज़ों का, चाइनीज राखी का। लोग चाह रहे हैं कि जितना हो सके हम इस बार हम सिंपल राखी बनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार का सिंपल त्यौहार है, इसलिए लोग आजकल इंडियन को प्रेफर कर इंडियन चीज़ ले रहे हैं।